गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। पिछले वीडियो में हम लोग काइनेटिक्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। पिछले वीडियो में आपको आर्हेनियस का जो इक्वेशन है, कोलिजन थ्योरी बताए थे, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स, ये सब के बारे में डिस्कशन किए थे लास्ट वीडियो में। और ये कैटलिस्ट के बारे में बताए थे कि कैटलिस्ट कैसे पाथ को अल्टर करता है। कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है जिसके कारण रिएक्शन का पाथ नया प्रोवाइड होता है जिसका एक्टिवेशन एनर्जी कम रहता है। तो जो मॉलिक्यूल पहले पैसिव रहता था वो भी मॉलिक्यूल एक्टिव हो जाता है। ये सब डिस्कशन किया था और पूरा एनसीईआरटी का थ्योरी आपको बता दिया है, जो आपका नीट एम्स मेन का सिलेबस है सब बता दिया है। अब देखेंगे, एक वीडियो और एक्स्ट्रा चीप भी बना दे, लेकिन देखेंगे कि उसका नीड है कि नहीं। नीड नहीं है तो मैं एक क्वेश्चन आर्स कर दिया हूँ, एक सवाल का है, और ये सवाल सब एनसीईआरटी का ही आज करवा देता हूँ। इस वीडियो में बहुत बेसिक चीज़ सब करवा देता हूँ। देखिए, इनटेक्स्ट सवाल है, सुनिएगा अच्छे से। इनटेक्स्ट सवाल है 4.5, इनटेक्स्ट सवाल है 4.5। ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज रेट कॉन्स्टेंट इतना, सेकेंड इनवर्स, हाउ लॉन्ग विल 5 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट टेक टू रिड्यूस 3 ग्राम। इनिशियल अमाउंट 5 ग्राम है और कहाँ चला जाए, रिड्यूस 3 ग्राम, मतलब बचा हुआ 3 ग्राम। दूसरा सवाल है 4.6, टाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज SOCl2 टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट इज 60 मिनट्स। देखिए बात को, ये हाफ लाइफ हो गया। हाफ लाइफ को कैसे डिफाइन किए हैं, कोई भी सब्सटेंस हो, जब इनिशियल अमाउंट हाफ हो जाए जिस समय पर, उसको हाफ लाइफ कहते हैं। टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ हाफ ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड हाफ लाइफ पीरियड। SOCl2 एक सब्सटेंस है, टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट, उसके इनिशियल अमाउंट का क्या हो जाए, हाफ, 4.6 में है तो कितना दिया हुआ है, 60 मिनट्स। ये टी हाफ है, कैसे टी हाफ पकड़े, क्योंकि इनिशियल अमाउंट हाफ हो रहा है। इफ़ द डिकम्पोजिशन इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कैलकुलेट द रेट कॉन्स्टेंट ऑफ द रिएक्शन। के लाना है यहाँ, और यहाँ लाना है आपको टाइम। थर्ड 4.8 है, द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन डबल्स फॉर एन इंक्रीज ऑफ 10 केल्विन इन एब्सोल्यूट टेम्परेचर फ्रॉम इतना। आपको बताए थे टेम्परेचर कॉफिशेंट कि टेम्परेचर को आप यदि 10 डिग्री या 10 केल्विन से बढ़ाएंगे तो रेट डबल हो जाता है, रेट कांस्टेंट का वैल्यू डबल हो जाता है, ये सब बताए हैं टेम्परेचर कॉफिशेंट में। तो 10 डिग्री से बढ़ा दिया और स्टैंडर्ड कहाँ से लिया, 298, तो अब एक हो जाएगा 308, इसमें 10 जोड़ देंगे, कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी। और चौथा सवाल है 4.9 इंटेक्स का, द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर ए रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी दे रखा है इतना। एक्टिवेशन एनर्जी जब भी देखना तो यूनिट पर भी ध्यान रखना, 209.5 किलो जूल पर मोल एट इतना केल्विन। कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन ईए। चारों बनाते हैं वन बाय वन करके। फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड का इक्वेशन बताए थे आप लोग को, और इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड सिर्फ दो ही का पढ़ना है। आप सिलेबस जोड़ देखिए, प्रीवियस ईयर का सवाल जोड़ देखिए, एक जीरो ऑर्डर, एक फर्स्ट ऑर्डर का, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड नहीं पढ़ना है। रिपीट कर रहा हूँ, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड नहीं पढ़ना है। सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर से सवाल पूछ सकता है तो वो हाफ लाइफ यूज़ करेगा, हाफ लाइफ मेथड। इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड सिर्फ और सिर्फ जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है।
के इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। ए जो है बच्चे यहाँ पर फिर से लिखता हूँ, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है ए माइनस एक्स, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है वो तो मास दिया हुआ है। तो जब इस तरह का सवाल हो, मास दे, मोल दे, कॉन्सेंट्रेशन दे, कुछ भी दे, जो देना वही इसमें रख दो। जैसे किसी बच्चे ने इसका मोल निकाला कॉन्सेंट्रेशन, तो आप लिखिएगा लेट मोलर मास एम, वॉल्यूम मान लेते हैं एन लीटर एल है, तो कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा मोल, तो पहले मोल निकाल देता हूँ, तो मोल ऑफ सब्सटेंस जो भी है तो मोल कितना हो जाएगा 5 अपॉन मोलर मास, कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा 5 अपॉन एम इंटू एल। उसी तरह इसका भी तो हो जाएगा मोल, मोल हो जाएगा 3 अपॉन एम, कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा 3 अपॉन एम इंटू एल। मोल कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला मास से भाग देते हैं, मास में मोल आ जाता है। तो मोल कॉन्सेंट्रेशन नहीं निकालना है, जो दे मास में रख दीजिए, वॉल्यूम दे वॉल्यूम में रख दीजिए, प्रेशर दे प्रेशर में रख दीजिए, कि जो दे वो उसी में, क्योंकि देखिए क्यों रेशियो है कैंसिल हो जाता है, इसलिए चेंज करने का कोई मतलब ही नहीं है। अब कॉन्सेंट्रेशन ये रखा इनिशियल 5 अपॉन एम इंटू एल, क्या फायदा गुना भाग करके, तो कैंसिल, क्योंकि रेशियो है कैंसिल हो जाएगा। तो ये मैं इसलिए कह दिया हूं ना कि मास दे कुछ भी दे, होता है क्यों क्या कि सर तो बताए एक कॉन्सेंट्रेशन है, सही में कॉन्सेंट्रेशन है एट टाइम जीरो, और ये कॉन्सेंट्रेशन है टाइम टी, तो है तो रेशियो है ना। यदि कॉन्सेंट्रेशन की जगह मास रहेगा, मास क्योंकि यहाँ भी मोल में चेंज होगा तो ये भी मोल में चेंज होगा, सेम सब्सटेंस है, क्योंकि सब्सटेंस तो बदलेगा नहीं, और सब्सटेंस नहीं बदलेगा तो मोलर मास नहीं बदलेगा, कंटेनर का वॉल्यूम नहीं चेंज होगा, उसी सब्सटेंस का नहीं इनिशियल और फाइनल रखेंगे तो मास तो दोनों का सेम होगा, इसीलिए मास कट गया, वॉल्यूम कंटेनर का सेम होगा। तो k इक्वल्स टू वही हो गया, k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t लॉग 5 अपॉन 3। अब लाना हमें क्या है t, क्योंकि k तो हमें मालूम है, 2.303 अपॉन k के जगह पर क्या रख दूं 1.15 10 का पावर माइनस 3 लॉग 5 अपॉन 3। t इक्वल्स टू 2.303 अपॉन 1.15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 लॉग ए अपॉन बी लॉग 5 माइनस लॉग 3। सभी का वैल्यू मालूम है हमें, कैलकुलेट कर लेंगे, गुना भाग तो कर लेंगे। जो टाइम आएगा ना ये सेकंड में आएगा, क्योंकि k का यूनिट सेकंड में, लॉग 5 का वैल्यू, लॉग 5 का वैल्यू होता है 0.69, लेकिन अब मैं यहाँ पर लूँगा 0.7 कैंसिल होने के लिए, इसका ले लूँगा 0.47। लॉग 5 का वैल्यू होता है 0.69, अब 69 भी रख सकते हैं यहाँ 0.69 और भी होता है, और लॉग 3 का वैल्यू क्या लिए 0.47, ये सब गुना भाग करके ले आएंगे, और ये जो आंसर आएगा ये सेकेंड में आएगा। ये सवाल करवाने का एक ही मकसद है कि क्लास में जब पढ़ाते हैं तो बच्चे बोलते हैं सर कि आप तो यहाँ पर लिखे थे कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन ये तो दे रखा है सवाल है मास, क्या करूँ, कुछ नहीं करेंगे, मास दिया हुआ है, सेम सब्सटेंस का मोल दिया हुआ है, सेम कंटेनर में होता है, इसका मतलब वॉल्यूम दिया हुआ है सेम, तो सारा रेशियो तो कैंसिल हो जाएगा। तो जो देखो कंक्लूजन क्या लिखा, मास निकला, मास मिले मास रख दो, कॉन्सेंट्रेशन मिले कॉन्सेंट्रेशन रख दो, मोल मिले मोल रख दो,
क्योंकि रेशियो है और सेम सब्सटेंस है, कैंसिल। अब आ जाएगा आंसर एनसीईआरटी में, देखिएगा इसका आंसर आ जाएगा। और इसका आंसर शायद दे रखा होगा आपको 444 सेकंड के आसपास। अभी आंसर से तो 440 444, अभी तो लॉग का वैल्यू रखिएगा आ जाएगा। तो कैलकुलेशन है। दूसरा जो सवाल है आपका, दूसरा सवाल है कि टाइम दिया हुआ है आपको निकालना है, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर के काइनेटिक्स के लिए टी हाफ और के में रिलेशन बताएंगे। टी हाफ कितना दे रखा है, टी हाफ दे रखा है 60 मिनट, यस 60 मिनट है। के बराबर क्या लिखते हैं, 0.693 अपॉन टी हाफ। ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए इक्वेशन होता है, आप देखिएगा लिखे थे फॉर फर्स्ट ऑर्डर। जीरो ऑर्डर के लिए दूसरा होता है बच्चे, फॉर फर्स्ट ऑर्डर। तो के इक्वल्स टू 0.693 अपॉन 60 और मिनट में चेंज करेंगे, ये मिनट है सेकंड में चेंज करेंगे, तो इतना सेकंड इनवर्स फर्स्ट। आप गुना भाग करके ले आएंगे, गुना भाग करके ला के देखेंगे तो शायद इसका आंसर दे रखा है 1.925 इंटू 10 to the power -4। देखिएगा गुना भाग करके उतार जाएगा। तो इस तरह का कोई भी जो सवाल देगा, देखिए फिजिकल केमिस्ट्री में जब तक आप सवाल नहीं बनाइएगा, न्यूमेरिकल हो, न्यूमेरिकल ही तो ज़्यादा करना है इधर, और थ्योरेटिकल भी करना चाहिए जिससे आपका थ्योरी क्लियर होता है। न्यूमेरिकल तो बनाना चाहिए, फिजिकल केमिस्ट्री बिना न्यूमेरिकल का कुछ उसका वैल्यू ही नहीं रह जाता है। देखना है कि कौन सा काइनेटिक्स है, पूछना है कौन सा काइनेटिक्स का इसमें कॉन्सेप्ट है। अब जो नेक्स्ट सवाल है, वो नेक्स्ट सवाल आपका ये है, द रेट कांस्टेंट डबल होता है। तो लॉग के टू अपॉन के वन इक्वल्स टू एक्टिवेशन एनर्जी 2.303 आर, ये फॉर्मूला देखिएगा आप बताएं आपको। इनिशियल टेम्परेचर 298 केल्विन है, 10 डिग्री से बढ़ा रहा है, 10 डिग्री या 10 केल्विन से बढ़ा रहा है, तो रेट डबल होगा कि नहीं बताए हुए। तो के टू हो जाएगा डबल, मतलब के वन का डबल हो गया। इस तरह लिखने का मतलब क्या हुआ, रेट डबल, रेट डबल कहो या रेट कांस्टेंट कहो, एक ही चीज दोनों होता है। तो इसको रख देंगे, तो इसको रखेंगे लॉग 2K1 अपॉन के ईए अपॉन 2.303, आर का वैल्यू अभी नहीं रखते हैं। और यहाँ पर टेम्परेचर को देखो, T1 इंटू T2, T2 माइनस T1 कैंसिल, लॉग 2 का वैल्यू भी मालूम है हम लोग को, ये तो लाना है, आर का वैल्यू अभी नहीं रखते हैं। और यहाँ पर देखो 308 माइनस 298 इंटू 308, 10 ऊपर आ जाएगा ये। अब इसको गुना भाग करेंगे, यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है कि R का वैल्यू, मैं बराबर बोलते जा रहा हूँ, R का वैल्यू यदि आप 8.314 रखे तो ये जूल में हो जाएगा, जूल पर मोल पर केल्विन, एकदम इस सब बात ध्यान रखिएगा। या किसी ने इसको रखा 8.314 इंटू 10 to the power -3, तो किलो जूल पर मोल इंटू केल्विन ये हो जाएगा।
या आर का वैल्यू कहीं पर कैलोरी में है तो 2 कैलोरी पर मोल इंटू कैल्विन, या 2 × 10⁻³ किलो कैलोरी पर मोल इंटू क्या। तो देख लीजिएगा कि आर का वैल्यू किस में रखे, वो सिचुएशन कहता है सवाल आंसर किस में दे रखा है उसके अनुसार रखना है। तो यहाँ से ये लाना है, तो देखिए log 2 का वैल्यू 0.3 होता है, तो एक बार और मैं लिख देता हूँ 0.3 इक्वल्स टू ईए अपॉन 2.303 आर 10 298 इंटू 308 ईए आ जाएगा 0.3 2.303 आर का वैल्यू हो जाएगा 8.314 × 10⁻³ इंटू 298 इंटू 308 अपॉन 10। अच्छा अब जो इसमें ही रखे हैं तो किस में आ जाएगा, किलो जूल में। अब ये सब को मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, ये जो भी वैल्यू आएगा किलो जूल पर मोल। इसका एनसीईआरटी में आंसर गलत दिया हुआ है, रिपीट कर रहा हूँ, इसका एनसीईआरटी में आंसर गलत दिया हुआ है क्योंकि मैं बहुत बार इसको क्लास में करवा चुका हूँ इस सवाल को, मुझे मालूम है। इसका आंसर आई थिंक इसका आंसर आना चाहिए 52 किलो के आसपास आना चाहिए, 52.72 अप्रॉक्स ले रहे हैं किलो जूल पर मोल। एनसीईआरटी में इसका आंसर गलत दिया हुआ है, वो 26 के आसपास दिया हुआ है, आंसर यही होगा एकदम, ये कन्फर्म है। क्यों रेट को डबल कर दिए, क्योंकि टेम्परेचर को 10 डिग्री से चेंज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। 10 डिग्री बोलो या 10 चेंज, जानते ना एक ही तरह का होता है, 10 केल्विन बढ़ाओ या 10 डिग्री। नेक्स्ट जो सवाल है आपका, कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। ये सवाल को स्टार कर देता हूँ क्योंकि इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं, और मैं एक फॉर्मूला फिर से लिखता हूँ, फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था बोल्ट्जमान फैक्टर के, याद कीजिए फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस वन, और ये कहाँ से आया था, दिस इज बोल्ट्जमान फैक्टर, यूनिटलेस फैक्टर है ये। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट फ्रैक्शन ऑफ, ये बात कहाँ से आया था, ये थ्योरी है, देखिएगा पढ़ाए थे बोल्ट्जमान का डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ में बताए थे, बोल्ट्जमान ही इस बात को दिए। लेट फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स एक्स मान लिए, एक्टिव मॉलिक्यूल एक्स है तो यहां पर देखिए एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस ए अपॉन आर टी, एक्सपोनेंशियल हटाने के लिए तो मैथमेटिकल फंक्शन है, लॉग लेते हैं या एलएन लेते हैं, तो टेकिंग लॉग बहुत लेते हैं, लॉग ई हट जाएगा, तो 2.303 log 10 बेस ले रहा हूँ, x एक्सपोनेंशियल हटेगा माइनस e अपॉन आर टी, इधर log लो ln लो या ये लो, ये एक्सपोनेंशियल हट जाएगा। x लाना में तो log x इक्वल्स टू माइनस e अपॉन 2.303 आर टी। अब सबका वैल्यू पुट कर देंगे, सभी का वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें आ जाएगा फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स आ जाएगा हमें। अब फिर वही बात होता है कि यूनिट किसका दिया हुआ है, तो लॉग एक्स, मैथ वाले बच्चे को तो ये सब लॉग का फंक्शन आसानी से, बायोलॉजी वाले के लिए बहुत दिक्कत है भाव, ये सब बहुत दिक्कत है, माइनस
एक्टिवेशन एनर्जी दे रखा है आपको किलो जूल में 209.5 किलो जूल, 209.5 एक्टिवेशन एनर्जी में दिया हुआ है, 2.303। आर का वैल्यू भी तो किलो जूल में रखिएगा ना, तो आर का वैल्यू हो जाएगा 8.314 × 10⁻³। और टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, 581 किलो जूल कर जाएगा, ये जानते ही यूनिट लेस होता है, संख्या है। अब जो यहाँ पर है ना कैलकुलेशन है बच्चे, सब कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करके देखिएगा तो अप्रॉक्स लॉग एक्स इक्वल्स टू आता है −18.82 के आसपास आता है अप्रॉक्स, तीन लाइन लिख दिए, ये आ गया है अप्रॉक्स। एग्जैक्ट तो अप्रॉक्स आ जाएगा 83 के आसपास आता है। अब देखिए मैथ का बच्चा है तो यहाँ से तो लॉग का फंक्शन ला लेगा, जो बायोलॉजी के बच्चे हो उसके लिए मैं थोड़ा इस तरह से बता देता हूँ, ये 19 से घटा लो इस तरह, तो 19 में से यदि इतना को घटाओगे 8 पॉइंट इतना को कितना जाएगा, इधर 7 और इधर 9 में से 1 0 इतना, तो इसी को ऐसे लिख देते हैं 0.17 − 19 ऐसे लिख दिए, फिर घट के तो यही आ जाएगा, ये लॉग के फंक्शन के कारण ऐसे लिख रहे हैं। अब यहाँ पर क्या करना है सो देखिए, अब इस जगह पे इस तरह से इसको करते हैं, ये मैथ कर रहे हैं आप, केमिस्ट्री नहीं है, लॉग लेता हूँ, लॉग ये सब देगा 4.7 का वैल्यू ये होता है इनटू लॉग 10⁻¹, ये क्यों ऐसे लिख दिया इसको देखिए, लॉग 1.47 × 10⁻¹, इसको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, 4.7 प्लस लॉग 10⁻¹, इसका वैल्यू होता है 0.17, इधर आ जाएगा तो −19 और लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है, तो देखिए वही आ गया 0.17 − 19, तो ये सब मैथ है, लॉग का फंक्शन है ये सब, तो मैथ है तो करते करते आ जाएगा, लॉग से लॉग कैंसिल, तो x का वैल्यू नंबर आ गया 1.47 × 10⁻¹, नंबर है तो कोई इसका यूनिट नहीं होगा। अब होता है कि बच्चे लोग कैसे समझेंगे, तो आपको इस सबका ना वैल्यू दे देता है, एंटी लॉग है उसी को मैं लॉग के फॉर्म में लाया हूँ घटा के, तो एंटी लॉग का वैल्यू देगा आप बैठा दोगे, बस यहाँ पर क्या देखना कि फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स कैसे निकालेंगे, तो फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोल्ट्जमैन फैक्टर निकाल लेंगे। तो इस तरह के जो हल्का हल्का सवाल सब है एनसीईआरटी का, ये सब बनाना चाहिए, जब तक नहीं आप बनाइएगा आपको नहीं आएगा बच्चे, ये एक्सरसाइज का सवाल है, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का सवाल है 4.18 और बहुत फेमस सवाल है, बहुत कॉमन। फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, देखिए कौन सा ऑर्डर बोला, फर्स्ट ऑर्डर, वो कहेगा सवाल में आपको, तब आपको आगे स्टेप लेना है, दिखलाइए शो दैट टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन, कंप्लीशन मतलब पूरा हो जाना, रिड्यूस टू मतलब बचा रहना, कंप्लीशन कहीं पर लिखा है मतलब उतना पूरा हो गया, रिड्यूस टू लिखा हुआ है इसका मतलब उतना बचा हुआ है, रिड्यूस बचा हुआ है, कंप्लीशन इज ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 90% ऑफ रिएक्शन, 90% रिएक्शन होने में जो टाइम लगता है और 99% होने में जो टाइम लगता है, ट्वाइस है दिखलाइए, मतलब ये पूछ रहा है आपसे टाइम 90%, ये टाइम 99% ट्वाइस है टाइम 90%, सही आपको प्रूव करना है, सो दैट दिखलाइए कौन सा काइनेटिक्स है फर्स्ट ऑर्डर, तो इस तरह का चीज है तो लिखेंगे ये 2.303 टी
लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, ये इनिशियल वैल्यू, ये कंप्लीशन वैल्यू होता है। आपको बताए थे कि रेट कांस्टेंट होता है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर से बदलता है। इस रिएक्शन में तो कहीं टेम्परेचर बदल नहीं रहा है। इससे पहले वाला सवाल में देखे थे कि टेम्परेचर को डबल 10 डिग्री से बढ़ाइएगा या 10 केल्विन से, तो रेट डबल होगा, रेट कांस्टेंट डबल होगा अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस या टेम्परेचर कॉफिशेंट। तो इसमें के नहीं चेंज होगा, मतलब कहने का मतलब ऐसे भी लिखिए के 99% वाला और के 90% वाला दोनों बराबर होगा। क्यों दोनों बराबर होगा? क्योंकि रेट कांस्टेंट का वैल्यू चेंज नहीं करता है तब तक जब तक टेम्परेचर नहीं बदलते। तो इसको के 99 कर लीजिए, फिर समय एक लिखता हूँ, के 99 इक्वल्स टू 2.303 टी 99 लिखा हूँ लॉग, यदि परसेंटेज में तो 100 ले लेंगे, बचा हुआ कितना एक है फर्स्ट इक्वेशन, परसेंटेज में इसलिए 100 लिया हूँ, एक बचा हुआ है। के 90% 2.303 के टी 90% परसेंट ही लेता हूँ, सॉरी यहाँ भी कर देता हूँ लॉग 100, 90% पूरा हो गया था, 10% बचा हुआ है, कैंसिल। सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को बराबर कर देंगे, क्योंकि ये तो कैंसिल, ये चेंज करेगा नहीं, के 90% बराबर बराबर करेंगे तो देखिए बराबर करेंगे तो 2.303 अपॉन टी 99% लॉग 10 का पावर 2 2.303 टी 90% लॉग 10 का वैल्यू 1। अब देखिए ये 2 इधर आएगा, ये तो कैंसिल, लॉग 2 इधर आएगा 2.99% लॉग 10 का वैल्यू 1, लॉग 10 का वैल्यू 1 अपॉन टी 90%, ये इधर जाएगा तो टी 99% 2 इंटू टी 90% प्रूव कर दिए, यही दिखलाना था हमको। बस इसमें यहाँ पर रखना है 100 क्योंकि परसेंटेज पूछ रहा है, और यहाँ पर एक में रखना है 1 क्योंकि 99% पूरा हो चुका है, एक में रखना है 10 क्योंकि 90% कंप्लीशन हुआ है। तो इस तरह के सवाल भी बना देंगे, जो इस तरह का सवाल सो कहेगा सब बना देंगे हम लोग। फोर पॉइंट वन नाइन है एक्सरसाइज ही है, एक्सरसाइज का 4.19। ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 40 मिनट्स, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, हमेशा बोल रहा है कि कौन सा रिएक्शन है, नहीं है, 40 मिनट्स फॉर 30% डिकम्पोजिशन, कैलकुलेट टी हाफ। जैसे ही मुझे बोला कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट स्टेप मेरे दिमाग में यही चलना चाहिए कि मैं इस इक्वेशन को लिखूंगा, उसके बाद आपका तो आगे बात बनते जाएगा। टी हाफ लाना है, तो यदि के आपको मालूम हो जाए तो टी हाफ इक्वल्स टू क्या होता है 0.693 अपॉन के, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, के आ जाएगा यहाँ से 2.303 अपॉन टी कितना लगा है 40 मिनट्स, मिनट में ही रहने दीजिए, टी हाफ मिनट में ही आएगा। लॉग 100 लीजिए, 30% डिकम्पोज, अब देखिए 30% डिकम्पोज या कंप्लीशन मतलब उतना हो चुका है, तो 100 माइनस 30 70 आ जाएगा, 303 अपॉन 40, ध्यान रखिएगा ये मिनट में रखे हुए हैं, लॉग 100 अपॉन 70 10 अपॉन 7 लॉग 10 माइनस लॉग 7, ये तो लॉग का वैल्यू आता ही है, यह आ जाएगा के 2.303 40 और लॉग 10 का वैल्यू 1 और लॉग 7 का वैल्यू सब देगा बच्चे 0.48, ये आ जाएगा मिनट इनवर्स में, ये आ गया मिनट इनवर्स में के।
अब इसके वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, गुना भाग कर लीजिएगा। अब देखिएगा आंसर मिनट में दे रखा है कि सेकंड में, ये 0.693 अपॉन 2.303 140, और इधर रह जाएगा आपका 0.16, ये ऊपर जाएगा। ध्यान रखिएगा ये मिनट में, और सेकंड में पूछेगा तो आप चेंज कर लेंगे सेकंड में, जिसमें आपसे पूछे चेंज कर दीजिएगा। तो इस तरह से कोई भी सवाल आप बना दीजिएगा। फर्स्ट ऑर्डर देखिए, जैसे ही बोला कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये लगना चाहिए, और कोई भी कंप्लीशन दे यहाँ पर रखिए, कम डिकम्पोज मतलब उतना खर्च हो चुका है तो बचा कितना 70, कंप्लीशन मतलब पूरा हो चुका है, और रिड्यूस टू का मतलब बचा हुआ, जैसे पहले वाला सवाल में अभी आपको बताए थे कि रिड्यूस टू लिखा हुआ, मतलब एक्सरसाइज का 4.2 सवाल है, 4.2 है, मैं और नहीं लिखा हूँ, मैं सिर्फ डेटा लिख लिया हूँ, आप देख लीजिएगा 4.20 है, 4.20 है एक्सरसाइज का है, टाइम दिया हुआ है सेकंड में ये, और ये प्रेशर पी है एमएम ऑफ एचजी में, ये प्रेशर है कैलकुलेट के, उसमें बोला है सवाल में कि एजो आइसोप्रोपेन डिसोसिएट कर रहा है इस तरह N2 और हेक्सेन में, कैलकुलेट के। अब इस सवाल में ये नहीं कह रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर है कि सेकंड ऑर्डर कि थर्ड ऑर्डर कि जीरो ऑर्डर, नहीं बोल रहा है, डेटा सिर्फ दिया हुआ है आपको के लाना है। इस तरह का सवाल यदि आपको दे तो वहाँ पर आप थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसे एग्जाम में नहीं देगा ऐसा, नीट वाला में बोर्ड में दे सकता है। हम के लाएंगे यहाँ से, और दो के लाएंगे, और दोनों के का वैल्यू सेम आ गया, इसका मतलब ये डेटा फर्स्ट ऑर्डर का है। इससे कुछ नहीं, आइसोप्रोपेन ऐसा रिएक्शन लिख के फर्स्ट ऑर्डर का काइनेटिक्स आपको प्रूव किए थे, के इक्वल्स टू ऐसा ही से किए थे 2.303, देखिएगा फर्स्ट ऑर्डर में गैसियस में बताए थे टी लॉग इनिशियल प्रेशर, और नीचे लिखे थे 2 इनिशियल प्रेशर माइनस टोटल प्रेशर, इनिशियल प्रेशर था टाइम टी जीरो पर, और ये प्रेशर था टाइम टी पर, ये सब बताए हुए इक्वेशन कहाँ से आता है देखिएगा, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स जहाँ पर बोले थे गैस फेज में, इनिशियल प्रेशर एट टाइम जीरो, प्रेशर एट टाइम टी के, इसको के वन कर लेते हैं, के वन इसको मान के वन 2.303, ये टाइम लेते हैं 360 सेकंड में है, लॉग इनिशियल प्रेशर टाइम 2 × 35 माइनस, देखिए इस समय पर फाइनल प्रेशर कितना है 54, तो के वन 2.303 अपॉन 360 लॉग 35 अपॉन 70, और 70 में से 50 गया 20, 4 गया 16। अब इसको डिवाइड करेंगे 2.303, और लॉग का वैल्यू ले लेंगे, डिवाइड करेंगे तो 16 दूना 32, 3 बच गया फिर, तो 2 1.18 के आसपास आएगा, 2 टाइम्स लगेगा 32 हो जाएगा, फिर 3 बचेगा, 1 टाइम्स लगेगा फिर, तो ये आ गया, और इसका लॉग का वैल्यू देगा, ये सब कैलकुलेट करके देखिएगा तो आई थिंक 2.16 या 1.18 आता है एग्जैक्ट नेम, देखिए इतना सेकेंड इनवर्स, इसका तो लॉग का वैल्यू रख के आप निकाल सकते हैं, तो अवेलेबल रहेगा आपको देगा। एक के ये हो गया, के टू देखिए, और दोनों के मेरा बराबर आ गया, तो इसका मतलब ये डेटा किसके लिए अवेलेबल है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, कितना टाइम 700 इतना पे लॉग, फिर इनिशियल 35, 2 × 35 माइनस 63, क्योंकि पी टी हो जाएगा यहाँ पर, ये के टू 2.303 720 लॉग 35 70 63 7 7 5 35
2.303 सेवन एंड 20 लॉग 5 लॉग 5 का वैल्यू तो वेल नोन है 0.7 ले लो अप्रॉक्स होता है ऐसे 0.69 720 इनटू 0.7 ही ले लेते हैं ऐसे 69। इसका भी अप्रॉक्स वही होता है, देखिए अप्रॉक्स लिख रहे हैं 2.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 सेकेंड इनवर्स, तो दोनों के तो बराबर ही हो गया लगभग। अरे 2.18 इसको भी सिग्निफिकेंट में लीजिएगा तो 2.2 है, तो K1 इक्वल्स टू K2, इसका मतलब ये डेटा फर्स्ट ऑर्डर का है और ये आंसर होगा या ये आंसर, दोनों ही खींचिए। जब इस तरह का दे डेटा नहीं मालूम है काइनेटिक्स कौन सा है तो दो के निकालिए, दोनों के का वैल्यू सही है तो ये डेटा फर्स्ट ऑर्डर का है क्योंकि उसी का काइनेटिक्स नहीं है। इस तरह से बनाएंगे, डेटा नहीं ये नहीं काइनेटिक्स बोलेगा तो डेटा से आपको काम करना पड़ेगा और डेटा से काम करके आप बताइए कि फर्स्ट ऑर्डर का है या नहीं। 4.21 देखिए इसमें दिया हुआ है और भी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, एक्सपेरिमेंट दो लिया है 1 और 2, एक्सपेरिमेंट टाइम सेकंड में लिया है 0 100 और प्रेशर लिया है पर एटीएम 0.5 और 0.6, एटीएम में लिया है। कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन टोटल प्रेशर इज 0.65, रेट ऑफ रिएक्शन लाना है इसमें और ये बोला है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इस सवाल में लिख दिया है दिस इज फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन, तो फर्स्ट ऑर्डर लिखा है बच्चे यार तुमको रेट लाना है, तो देखिए यहाँ पर ध्यान रखना है बात को, इसमें समझिए थोड़ा। ये इनिशियल 0.5 एटीएम है प्रेशर 0 0, टाइम टी पर जीरो पॉइंट फाइव माइनस एक्स एक्स एक्स, ये भी एटीएम ये सब एटीएम होगा क्योंकि इससे जो घट रहा है प्रेशर वो भी एटीएम है, ये प्रेशर एटीएम में है तो घटेगा वो भी एटीएम। अब यहां पर इस तरह से लिखना है टोटल प्रेशर एट टाइम टी, टोटल प्रेशर टाइम टी पी टी मानते हैं तो पी टी बराबर क्या हो जाएगा 0.0 इक्विलिब्रियम में जो लिखते हैं टोटल जो लिखते हैं तो ये कैंसिल, ये हो जाएगा 0.5 प्लस एक्स, ये हो जाएगा टोटल प्रेशर, एक्स आ जाएगा आपको यहाँ से क्योंकि ये 0.65 दिया हुआ है 0.50 प्लस एक्स, एक्स इक्वल्स टू माइनस कर लीजिए तो 0.15। इसका यूज अभी करेंगे, इसका यूज करेंगे देखिए रेट निकालने में, पहले के निकालते हैं तो 2.303 टी लॉग पी इनिशियल 2 पी इनिशियल माइनस पी टी, के इक्वल्स टू 2.303 और एक ही टाइम ये दिया हुआ है 100 लॉग इनिशियल प्रेशर 0.5 और 2 × 0.5 माइनस 0.6 ये, तो के आ गया बच्चे 2.303 अपॉन 100 लॉग 0.5 अपॉन ये एक है तो 0.4 अब इसको k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन 100 लॉग 5 माइनस लॉग 4। अब देखो लॉग का अप्रॉक्स वैल्यू ले रहे हैं तो थोड़ा मोड़ा आंसर में अंतर आ जाता है पॉइंट सब में, तो उससे नहीं जाना है इतना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन में, हम इसका 0.7 ले रहे हैं और लॉग 4 का वैल्यू 0.6 ले रहे हैं तो ये आ गया 2.303 इंटू 0.1 अपॉन 100, ये आ गया सेकंड इनवर्स में, ये आ गया हमारा रेट कांस्टेंट आ गया, तो रेट कांस्टेंट कितना आ गया 2.303 और ये भी आएगा 10⁻⁴, ये रेट कांस्टेंट आया। हमें लाना है रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ रिएक्शन कब लाना है
जब प्रेशर कितना हो 0.65। तो यहीं से देखिए प्रेशर जब दिया हुआ है तो ला सकते हैं रेट के ए 0.5 माइनस एक्स का पावर 1 वाई 1 बिकॉज इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन हो गया के का वैल्यू ये रख दीजिए 2.303 अपॉन 10^-4 इंटू 0.5 माइनस 0.15 एक्स का वैल्यू इसीलिए निकाले थे। यहाँ पे ये सवाल को स्टार कर लीजिएगा 2.303 10^-4 इंटू 0.35 ये आ जाएगा प्रेशर है तो एटीएम पर सेकेंड। तो ये सवाल में था, ये सवाल में ध्यान देना था कि के निकाल लेना था। यहाँ पर 100 रखेंगे तो यहाँ पर टोटल प्रेशर ये था, लेकिन रेट लाना है टोटल प्रेशर का 0.65। इसका टाइम नहीं था इसीलिए मान लिया टाइम टी, लेकिन टाइम 100 पर तो इतना है तो इस पर नहीं लाना था, कितना पर लाना था 0.65 पर। तो आंसर विल बी दिस। तो देखना है कि किस प्रेशर क्यों टाइम पर लाना है, कैसे बनाना है, ये जोर ध्यान से आपको अच्छे से देख। नेक्स्ट जो सवाल है 4.26 है, द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन 2.46 एक्सरसाइज का है। द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन फॉलोज द इक्वेशन, इस ये क्वेश्चन फॉलो कर रहा है, वो देगा आपको सवाल में कैलकुलेट ईए एक्टिवेशन एनर्जी लाना है। इस तरह का सवाल हम पहले भी आपको बताए हैं जब पढ़ा रहे थे, तो ये भी देखिए इस तरह का जब इक्वेशन आपको दे दिया है तो हम इसके पैरेलल हम इस तरह से लिखेंगे एक्सपोनेंशियली ईआर, पढ़े ना आर्हेनियस इक्वेशन लिखेंगे पैरेलल। अब कंपैरिजन कर लेंगे के जगह के, ए के जगह ये है, ईए के जगह ईए, हम लोग इससे कंपैरिजन कर लेंगे इक्वेशन को। ये दिया हुआ है ए के जगह पर क्या आ गया इतना, ए के जगह पर इतना रखेंगे और ईए के जगह तो है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको ln के ln a लिखेंगे तो ln 4.5 इंटू 10^11 माइनस ये एक्सपोनेंशियल हटेगा 28,000 के दिया हुआ है ना यूनिट वैल्यू, ऐसे इसको कैसे लिखेंगे ln के ln a माइनस ea अपॉन rt। अब देखो यहाँ ln है तो यहाँ भी ln है, यहाँ भी ln है, यहाँ ln है, अब इसको इसको बराबर कर देंगे माइनस ए अपॉन आर टी इक्वल्स टू माइनस 28,000 अपॉन टी, ये के दिया हुआ यूनिट के लिए ताकि यूनिट टेम्परेचर है यहाँ बैलेंस, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, ये इक्वल्स टू क्या आ गया, ये इक्वल्स टू क्या आ गया आर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जिसमें आपको आंसर लाना हो देख लीजिएगा किस में दिया 28,000 है इंटू आर, आर का वैल्यू जिसमें आपको आंसर दिया हो 28,000, अब मैं यहाँ पर ये रखता हूँ 2 × 10^-3 तो ये हो जाएगा किलो कैलोरी पर मोल इंटू कैल्विन, ये हो जाएगा। किसी ने बोला नहीं मैं इसमें नहीं रखूँगा मैं जूल में रखूँगा 8.314 × 10^-3 किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल कैल्विन कहाँ से आएगा, ये हो जाएगा। तो कहना था कि इस तरह का सवाल दे तो आप भी रिलेशन का इसके जगह ये, इसके जगह ये, अब लॉग में लेंगे फिर भी वही बात आएगा, जब लॉग में लीजिएगा तो यहाँ भी तो आएगा वो वैल्यू, मतलब यहाँ पर 2.303 यहाँ भी आएगा 2.3 फिर कहीं यही आ जाता है ना, तो वही आ जाएगा। तो ऐसे दिया रहे तो ए लेने में लग, कहने का मतलब लॉग में लेते तो 2.303 लॉग के फिर 2.303 लॉग ये वाला वैल्यू और फिर सब जगह 2.3 जिससे तो यहाँ पर फिर आ जाता कि नहीं 2.303 जो बताया हूँ आपको सवाल में। तो इस तरह से आप बनाएंगे सवाल सब।
जब तक सवाल नहीं बनाएंगे, आप अटेम्प्ट नहीं लेंगे ना, आपको कुछ अच्छा लगेगा नहीं। ये 4.2 है। 4.2 में कहता है एक रिएक्शन है, 2a + b गिव्स a to b, दे रहा है कॉमा द रेट के इक्वल्स, रेट बराबर है के इंटू ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी का पावर 2, इसका पावर 1 है। ये दिया हुआ है रेट, रेट लॉ दिया हुआ है आपको, इसमें इस रिएक्शन में रेट लॉ आपको दिया है। विथ के का वैल्यू ये दिया है 2 × 10⁻⁶ मोल -2 लीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, इसलिए क्योंकि पावर 1 है, यहाँ 2 है, थर्ड ऑर्डर है, इसलिए यूनिट ये है। कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए इसमें दो सवाल है, इनिशियल रेट लाना, वेन इस तरह लिखने का मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, वेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज 0.1 मोल पर लीटर और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज 0.2 मोल पर लीटर फुल स्टॉप। तो दो सवाल है, पहले ये लाना आपको, और इस सवाल को स्टार कर लीजिएगा क्योंकि बहुत बच्चे इसको क्लास में पूछते हैं। देखिए ये रेट लॉ है, तो रेट लॉ जो है, ये रेट लॉ या फंडामेंटल पोस्टुलेट ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, ये दिया हुआ है, नहीं कुछ है तो पावर दिया हुआ है। बताएं पावर प्रोवाइडेड इन कॉन्सेंट्रेशन टर्म इज कॉल्ड ऑर्डर, और ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल डेटा होता है, किसी कंप्लीट बैलेंस केमिकल इक्वेशन से नहीं देते हैं, इससे देते तो यहाँ 2 होता, यहाँ 1 होता, लेकिन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट और पावर ऑर्डर अलग अलग होता है। तो रेट लाना हमें, के का वैल्यू दे रखा है 2 × 10⁶ और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए दिया हुआ है 0.1 एक और एक दिया 0.2 पावर 2, ये आ जाएगा आपका रेट, और रेट का यूनिट तो वही हो जाएगा मोल पर लीटर इंटू सेकेंड। एक ये हो गया, इसमें दो सवाल है, एक ये सवाल है फुल स्टॉप है। कैलकुलेन कॉन्सेंट्रेशन, आप फिर बोलता है फुल स्टॉप, कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर ए इज रिड्यूस टू, इतना रिड्यूस टू मतलब बचा हुआ है, फिर से रेट कैलकुलेट कीजिए। कब दो रेट लाना है, एक तो इनिशियल लाना था, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन लिख दिया, रेट लॉ दिया हुआ है, अब लाना है कि इतना ये बचा हुआ है, ये बचा हुआ है, ये रिड्यूस टू का मतलब होता है बचा रहना, कंप्लीशन का मतलब खर्च हो जाना, रिड्यूस टू मतलब बचा रहना, तो बचा है ए का, ए कितना लिए थे, इनिशियल वैल्यू ऑफ ए मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कितना था 0.1 लिए हुए हैं, अब ये बचा हुआ है तो ये खर्च कितना हुआ, कंज्यूम्ड हो गया, कंज्यूम्ड ऑफ ए कॉन्सेंट्रेशन, ये कंज्यूम्ड हो गया 0.1 माइनस पॉइंट इतना मतलब 0.06, इतना कंज्यूम्ड हुआ किसका, ए का, ए लिए थे इनिशियल 0.1 इनिशियल, खर्च होके इतना बचा हुआ है रिड्यूस टू, खर्च कितना हुआ 0.04। अब देखिए इक्वेशन 2a + b a to b, थोड़ा मोल कॉन्सेप्ट का बात कर लीजिए, ये दो मोल है ए तो एक मोल है बी, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो सिंस 2 मोल ऑफ ए कंज्यूम्ड व्हेन 1 मोल ऑफ बी कंज्यूम्ड, जब ए 2 मोल कंज्यूम्ड होगा तो बी 1 मोल होगा अकॉर्डिंग टू रिएक्शन, देयरफॉर कितना कंज्यूम्ड हुआ है 0.04 मोल ए कंज्यूम्ड हुआ है, तो 0.04/2 बी हो जाएगा 0. इतना मोल कंज्यूम्ड, बी उतना कंज्यूम्ड हो गया, एक तो ये था, अब बी उतना कंज्यूम्ड हो गया तो लिए कितना थे बी का वो देख लीजिए। तो इनिशियल कितना था, इनिशियल वैल्यू या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी ये था 0.2, कंज्यूम्ड हो गया 0. तो लेफ्ट बचा हुआ कितना है, लेफ्ट ऑफ बी कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन बचा हुआ है इसका 0.2 माइनस 0.02, तो ये
0.18, इतना बचा हुआ है बी का और इतना बचा हुआ है ए का, रिड्यूस टू मतलब बचा हुआ, लेफ्ट बचा हुआ। अब रेट लिखेंगे, रेट में वो लिखिएगा ना जो कॉन्सेंट्रेशन बचा हुआ है, कि वो लिखिएगा जो कंज्यूम्ड हो गया। रेट में किसको लिखेंगे, रिएक्टेंट साइड में जो बचा हुआ है, तो रेट दूसरा में आ गया। ये सवाल में इसमें था, ये वाला सेकेंड में, 2 × 10⁻⁶ 0.06 का पावर 1, 0.18 का पावर 2, फिर वही यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर। कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, इनिशियल वैल्यू ये का ये था, इतना बचा हुआ है, तो रेट में किसको रखेंगे जो बचा हुआ है, कि कंज्यूम्ड हो गया उसको नहीं, जो बचा हुआ है मतलब जो रिएक्टेंट साइड है। रेट लॉ किधर से लिखा था, रिएक्टेंट साइड से ना, जो फंडामेंटल पोस्टुलेट बतलाए थे। तो जब हम लोग निकाल दिए कंज्यूम्ड ऑफ ए, तो ए कितना कंज्यूम्ड हो गया, 0.04, इसलिए ऐसा लिखे क्योंकि बी कितना बचा हुआ है उसको निकालने के लिए, क्योंकि बी का वैल्यू दिया नहीं था जब ए इतना बचा हुआ है। तो 2 मोल ए खर्च होगा अकॉर्डिंग टू स्टोइकोमेट्री, 2 मोल ए कंज्यूम्ड हो जाएगा तो 1 मोल बी कंज्यूम्ड हो जाएगा, 0.04 मोल ए कंज्यूम्ड हो रहा है तो 0.02 मोल बी कंज्यूम्ड हो रहा है। बी का इनिशियल वैल्यू ये था, कंज्यूम्ड हो गया था, लेफ्ट कितना रह गया, 1.8, इसी को रेट में लिखें। तो 2 रेट का यहाँ पर वैल्यू था, एक था कि इनिशियल वैल्यू रख दीजिए एक तब जब ए इतना, दूसरा वाला डिफिकल्ट था, बार बार उसको सुनिएगा क्या बोले हैं। प्रॉब्लम आर्स में आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर आपको मिलेगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू करेंगे उसमें, उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद शुरू करेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बाद सॉलिड, सॉलिड के बाद सरफेस केमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बड़ा चैप्टर होता है, काइनेटिक्स से बड़ा चैप्टर होता है इलेक्ट्रो, फिर सॉल्यूशन, काइनेटिक्स इतना बड़ा ही होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अच्छा लगता है तो अच्छे अच्छे कॉमेंट्स कीजिए। आप ही के लिए काम कर रहे हैं, ऑनलाइन का बात है, आप ही के लिए काम कर रहे हैं, दोस्तों के बीच में सर्कुलेट भी कीजिए और पढ़ते रहिए, वीडियो से बने रहिए। जो डाउट हो डाउट सेक्शन में रखिए। आप सोच रहे हैं लाइव भी आऊँगा, इन्फॉर्म भी करूँगा आप लोगों को कब कब आना है। अगले वीडियो में इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे बच्चे लोग।